सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों बिजनेस करने में ना फायदा तो यही है कि आप एक यानी कि एक स्वतंत्र होकर आप काम कर सकते हैं, यानी अपने बॉस आप खुद ही होते हैं। और नुकसान ये है कि इसमें प्रॉफिट का कोई पता नहीं होता है कि कितना प्रॉफिट आपको मंथली होगा या फिर दोस्तों डे बाई डे आपको कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों जॉब में क्या होता है कि प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, आपको प्रॉफिट का आपको पता होता है कि आपकी सैलरी इतनी है तो वो सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। और दोस्तों आप बिजनेस में ये फायदा होता है कि बिजनेस में अगर आप करते हैं तो फायदा यही है कि उसके आप अच्छा खासा टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप घूमने का आपका प्लान है तो आप दोस्तों फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, आप किसी अपने जो भी हेल्पर वगैरह उसको आप हैंड ओवर बिजनेस करके। तो दोस्तों इस तरह से बिजनेस में ये प्रॉफिट होता है। नुकसान की बात करें दोस्तों, इसमें नुकसान यही है कि अगर आप सोचते हैं कि इसमें आप बस किया आपने काम और छोड़ दिया तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, बिजनेस के अंदर आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दिया तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, टाइम देंगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और दोस्तों बिजनेस के अंदर पूरा आपको बिजनेस की पूरी केयर करनी होती है, जो भी आपको किराया वगैरह रेंट वगैरह होता है, प्रॉपर्टी का रेंट होता है, इसमें बिजली का खर्च आता है, या फिर दोस्तों टोटल बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं वो भी आपको मैनेज करने होते हैं। उसके साथ साथ आपको इतने हेल्परों की बर्डन होता है, उनकी सैलरी वगैरह भी आपको मैनेज करनी होती है, आपको एम्प्लॉयज वगैरह भी रखने होते हैं। यानी कि बिजनेस में भी बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती है, एक्टिविटीज़ होती हैं वो करनी पड़ती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ बिजनेस में आपको प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों, प्रॉफिट का कोई पता नहीं होता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है आप लाखों रुपये भी कमा लें महीने के, हो सकता है दोस्तों आप करोड़ों रुपये भी कमा लें। ऐसे बहुत से हैं जो बिजनेस करके ही बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों बिजनेस में ऐसा होता है कि आप बिजनेस को धीरे 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 बढ़ाकर आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसमें क्या है कि आपको पूरा इसमें फोकस करना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और हो सकता है दोस्तों आपको घर पे भी बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों जॉब के अंदर ऐसा होता है कि जॉब को अंदर जो आपको काम दिया है वही दोस्तों आपको काम करके देना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। तो दोस्तों यही होता है कि जॉब के अंदर आपको यही प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों जॉब के अंदर थोड़ा सा क्या है, सैलरी थोड़ी सी हो सकती है आपको कम प्रॉफिट हो, लेकिन दोस्तों बिजनेस के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है अगर आप दोस्तों मैनेज करके चलते हैं, उसको प्लानिंग के साथ करते हैं। लेकिन वरना अगर दोस्तों आप ऐसे बिना प्लानिंग के बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें भी आप फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ना बिजनेस में ये होता है कि आप किसी आज किसी और चीज़ का ट्रेंड है, आगे जाके किसी और चीज़ का ट्रेंड बन जाए। दोस्तों बिजनेस में ये होता है कि आपको जमाने के साथ चलना पड़ता है, जमाने के साथ स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और दोस्तों हो सकता है कभी ना कभी आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों बिजनेस में यही नुकसान होता है, बाकी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी आप इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट अच्छा खासा कमा लेते हैं। और फायदे की बात करें दोस्तों, आप फैमिली टाइम लगा सकते हैं, आप अपने खुद के बॉस होते हैं, जो आपका मन कर रहा है काम करने का तो कीजिए, वरना नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप हैंड ओवर कर दीजिए किसी अपने हेल्पर वगैरह को। और दोस्तों आप रेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, दोस्तों आप आराम से अपना दिमाग रिफ्रेश वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आपको आपका लगे कि आपको काम करना है तो दोस्तों वैसे भी आप काम कर सकते हैं। नहीं दोस्तों आप अपने मालिक बन जाते हैं बस, दोस्तों आपको वैसा ही होता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों आप अच्छा खासा इसमें टाइम मैनेज करके आप इस बिजनेस के साथ साथ आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले सकते हैं और बिजनेस को आप ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको किसी बॉस का प्रेशर नहीं होता है। दोस्तों जॉब में क्या होता है कि बॉस का प्रेशर होता है कि आपको इतना टारगेट वगैरह होते हैं, जॉब में टारगेट वगैरह होते हैं तो दोस्तों वो टारगेट वगैरह आपको अचीव करने होते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस में आपके खुद के ही टारगेट होते हैं, अपने मन से टारगेट बनाते हैं आपकी, मेरे को इतना टारगेट अचीव करना है इस मंथ में, वो दोस्तों अपनी खुद की होती है कि आप अपने खुद के बॉस हैं और दोस्तों आप अपने हिसाब से भी आपको बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है बस, इसमें लॉस और नुकसान जो कुछ नहीं है। बाकी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अपनी जगह बेस्ट है, जॉब करते हैं जॉब भी अपनी जगह बेस्ट है, सब कुछ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो आप कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सकते चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने से वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।